हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे दमदार शेयर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो भविष्य का एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इसके फंडामेंटल्स हैं और जो इसका बिजनेस मॉडल है दोस्तों, जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, और इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ एक बार। अगर आप हमको फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, तो फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज दोस्तों हमें बनाते हैं, उसमें 11th नंबर का शेयर फ्यूचर मल्टीबैगर में मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये शेयर कौन सा है। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है, और वो क्या सौदा है, किसने किया है, वो भी जानेंगे। साथ ही में फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। टेक्निकल चार्ट पे एक बार फिर से आपको फ्रेश बाइंग लेवल बताऊंगा, तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये कौन सा शेयर है, शेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ। शेयर का नाम है दोस्तों एस। जी हाँ दोस्तों, एस, इसको आप जरूर आपने नाम सुना होगा, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एक बार। तो कंपनी जुड़ी हुई है दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं बड़े बड़े दोस्तों, कंपनी बनाती है। और इसका मार्केट शेयर दोस्तों 60% का है इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाने में। तो समझ सकते हैं आप 60% कितना बड़ा मार्केट शेयर होता है। मतलब आप समझ लीजिए, हर दूसरी जो इक्विपमेंट है दोस्तों एस की है, जो कि आपको कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वहां पर दिख जाएगी। अभी देखिए, हाल ही में आज ही में दोस्तों वापस आया हूँ मैं, कहीं गया हुआ था काम से, टाउन आउट ऑफ टाउन गया हुआ था। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी दोस्तों प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पर, मैं जहां भी देख रहा दोस्तों इस एस की यहाँ पर मशीन्स मुझे दिख रही थी। तो मतलब ये देख के काफी अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर इसको कंपनी को पढ़ रहे हैं, और हमको उसका सामने जो है रिजल्ट दिख रहा है। तो एक ये काफी कमेंडेबल चीज है। तो कंपनी क्या बनाती है, देखिए कंपनी कितने सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। बेसिकली कंपनी जो है एक लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग, इंडिया की लीडिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेजर मेजोरिटी मार्केट शेयर इन मोबाइल क्रेन्स, टावर क्रेन सेगमेंट, एडिशनल मोबाइल क्रेन्स। देखिए क्या क्या बनाती है यहाँ पर, अगर मैं आपको उसको एक बार पूरा इमेज में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है मशीन्स, ये सारी मशीन्स एस बनाती है। देखिए अब जहाँ भी कहीं भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा तो आप जरूर जाके देखिएगा दोस्तों, आपको एस की मशीन्स मिल जाएगी। अब मैंने इसको बहुत पहले कवर कर चुका हूँ इस वीडियो को मैं, तो आप इस शेयर को मैं एक्चुअली अपने वीडियो में, तो आप जरूर इसको जानते होंगे। देखिए कहीं भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट चल रहा हो आपको पता है वहाँ पर अगर कोई मशीन होगी तो वो एस से जुड़ी ही होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। क्योंकि जहाँ भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा होगा, चाहे वो रिलेटेड हो रेलवेज, रोड, रोड शिपिंग, एविएशन, हाईवेज, या फिर रूरल इंफ्रा हो, पोर्ट्स हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मशीन्स यूज़ आएंगी वो एस की ही आती हुई दिखेंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इस बार बजट में। आपको पता होगा कि मतलब उन्होंने कहा है निर्मला सीतारमण मैम ने कि फंडिंग टू दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। और अब की बार इतने ज़्यादा हाइयर एलोकेशन दोस्तों इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को यहाँ पर अलोकेट हुए हैं कि आप समझ सकते हैं कितना ये अच्छा फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। तो ये एज दोस्तों यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहाँ ये पूरा बैकएंड सपोर्ट कर रही है। चाहे कुछ भी काम हो रहा हो, गैस पाइपलाइन डल रही हो, रेलवेज का काम हो रहा हो, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और एज यहाँ पर फुलफिल उसको करता है। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पूरा यहाँ पर अच्छा खासा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है। तो ये है दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल। आई होप आपको यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपने भी यहाँ पर एस की मशीन्स जो है देखी हैं मार्केट में या नहीं। 60% का इसका मार्केट शेयर है मोबाइल टावर्स, क्रेन्स एंड ऐसी रिलेटेड इक्विपमेंट्स में। अगर हम इसकी डिलीवरी देखें दोस्तों आज की, तो आप देखिए कितनी डिलीवरी है इसमें, अच्छी खासी 63% की डिलीवरी है, ज़बरदस्त डिलीवरी। अब चलते हैं दोस्तों जो बल्क डील हुई है इसमें वो देखते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा फंडामेंटल दिखाऊंगा और उसके बाद आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले डील देख लीजिए, 12 मार्च को ये डील हुई है इसमें। जीएमओ एलिसा पोल ने दोस्तों यहाँ पर बाय किए हैं करीब करीब 8 लाख शेयर्स के आसपास 165 की रेंज में। और अभी कितना इसका प्राइस चल रहा है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो 165 में यहाँ पर एक बहुत बड़े एक ये दोस्तों ट्रस्ट है, एक जीएमओ एलिसा पोल, मतलब एक इमर्जिंग डोमेस्टिक मार्केट्स में यहाँ पर एक ये काम करती है, जहाँ पर ये जो है कंपनीज को खरीदती है इमर्जिंग डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का दोस्तों डेवलपमेंट होना और इकोनॉमी का रिवाइव होना एक तरह से आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी आगे बढ़ेगी। शेयर का प्राइस आज की डेट में चल रहा है दोस्तों 148। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा ऊपर के लेवल पर बनाया था, लेकिन मार्केट करेक्ट हुई है, थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसमें मैं भी दोस्तों थोड़े बहुत शेयर्स वापस से एक्यूमुलेट करने वाला हूँ, जस्ट अ डिस्क्लेमर आपको बता रहा हूँ।
तो ये हो गया इसका शेयर प्राइस। अब चलते हैं फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटल पे आप देखेंगे मार्केट कैप, देखिए अभी केवल 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, और आरओसी देखिए 16 का, आरओई 11 का, प्रॉफिट मार्जिन देखिए अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लोज अच्छे हैं, प्लेजिंग जीरो है, डेट भी कंपनी पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट प्राइस इसकी ये चल रही है। और इसका अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो अभी देखिए दिसंबर में इसने 400 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 11-12 क्वार्टर में, चाहे ईयर ऑन ईयर देखिए आप, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 38 करोड़ का, यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है ओवरऑल आप देखेंगे तो। और अगर इसकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखें तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी चीज़ दिखेगी। देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं, देखिए 72 थी, 73 हो गई, फिर 73.14 हो गई, पिछले दो क्वार्टर से आप देखेंगे तो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs के पास कांस्टेंट है। और यहाँ पर अब जैसा मैंने आपको बताया, इस FII ने यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक उठा लिया है, तो यहाँ भी आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखेगी। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों यहाँ पर अपने ऊपरी स्तरों से कितना करेक्ट हो चुका है, इसका ऊपरी लेवल करीब करीब 177 के आसपास था, 16-17% ये ऑलमोस्ट करेक्ट, 17% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज एंड यहाँ पर नीचे आप वॉल्यूम देखिए, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। देखिए ये वॉल्यूम्स के बाहर देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम टावर्स यहाँ पर दिख रही है, मतलब निचले स्तर पर दोस्तों कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, और मुझे लगता है ये शेयर दोस्तों आने वाले एक साल में हमको डबल होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अब जिस प्रकार से तेजी पकड़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोई सा भी सेगमेंट हो, चाहे रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज हो, रूरल इंफ्रा हो, शिपिंग हो, एविएशन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर दोस्तों काम चालू हो रहे हैं, फंडिंग अच्छी खासी वहाँ पर हो रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो इक्विपमेंट्स का यूज़ आएगा, तो एस यहाँ से आपको भागता हुआ दिखाएगा। हालांकि इसने थोड़े टाइम पहले देखिए अच्छा खासा रनअप दिखाया, लेकिन फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर आप दोस्तों यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूँ, हमेशा अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 17% करेक्टेड है, तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। अगर हालांकि देखिए मार्केट और करेक्ट होता है तो आपको ये और नीचे आता हुआ दिख सकता है, करीब करीब इसके जो 100 डे मूविंग एवरेज है 135 के अराउंड, तो यहाँ पर ही आके आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो आप यहाँ पर और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर कीजिएगा। तो जिस प्रकार से वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों, मुझे लगता नहीं ये ज़्यादा नीचे आएगा, 5% और नीचे आ जाए तो भी दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा ही एक्यूमुलेट हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ही इसका एक अच्छा मेजर सपोर्ट है 134.80, मतलब 135 के अराउंड। तो यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, और दोस्तों मुझे लगता है कि ये डबल होगा थोड़े टाइम में, तो आप इसको ज़रूर एक बार अपनी स्टडी कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप इसमें जो है पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी दोस्तों डिसीजन आपका है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है आपके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।